नमस्कार भाई दोस्तों, पता नहीं क्या समस्या क्या प्रॉब्लम है, कहीं पर संयुक्त पंजाब का नाम आते ही लोगों का दिमाग में भी उलझने शुरू हो जाती हैं और वैसे भी मरोड़े लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको बात रखें फैक्टों के ऊपर, तो फैक्ट आपको पता है, अपने देश में भारत में 14 अगस्त को कोई आज़ादी दिवस मनाता है, 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद है, कोई 14 अगस्त को भी मनाता है, पता आपको? किस किस को पता होगा बता देना। लेकिन आपको तो सिर्फ मुद्दा कहाँ पे चाहिए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके ऊपर ज़्यादा नज़र चाहिए आपको। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले अपने देश के 2 टुकड़े हुए थे, सबको पता इस बात का, बताया भी जाता है कि भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, सबको पता है ना। लेकिन संयुक्त पंजाब के भी 2 टुकड़े हुए थे, उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता, बार बार आपको बताया जाता। अगर आपको नहीं पता तो सुनिए ध्यान से, 56% संयुक्त पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में गया था और 44% अपने देश में रहा था, क्या पता इस चीज़ का? 44% हिस्सा बचा हुआ था, उसके भी टुकड़े करने जारी रखिए, आपने कभी सोचा इस बारे में? एक छोटा सा स्टेट, छोटा सा सूबा, और उसको बार बार उसके ऊपर नजर रखी जा रही, क्यों रखी जा रही है? अंग्रेज जो आए थे या बड़े बड़े जो पहले आक्रमण करने आते थे ना, उनकी नज़र भी वहाँ पर होती थी कि कहाँ पर ज़्यादा खनिज पदार्थ या कहाँ पर ज़्यादा ऐसा है कि लोग अच्छे फलते फूलते हो, जहाँ पर उनका व्यापार अच्छा चल सके। लेकिन अंग्रेजों की हिम्मत तब तक नहीं थी जब तक महाराजा रणजीत सिंह बैठे हुए थे, हिम्मत नहीं थी, दूर खड़े होकर पूछ सकते थे कि हमारे को व्यापार करना है कुछ करना, हिम्मत नहीं कि नदी क्रॉस कर जाएं। लेकिन अब लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है, बातों को कहीं घुमा देते हैं और बात को ले आते हैं हरियाणा पंजाब के ऊपर, या फिर उत्तर प्रदेश में ले आएंगे, या फिर राजस्थान में, बम यहाँ पे फोड़ना है, ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? आज की न्यूज़ है ना ये, मेघालय का जो वैशाल्य तलाने के आरोप में मेघालय में बीजेपी का उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक जो गिरफ्तार कराया गया, उसके फार्म हाउस पर विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, याद आया किसी को? पुलवामा का अटैक, उसमें भी ऐसे ही नाम आया था, लेकिन बातों को दबा दिया गया था। ये न्यूज़ भी दब जाएगी, आप कितना ही वो करते रहना, ये न्यूज़ भी दब जाएगी। नागालैंड 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिवस मनाता है, कभी अपने देश में जिक्र नहीं होता, क्यों नहीं होता? हालांकि अगर आप देखोगे ना तो वो भी छोटा सा राज्य ही है, लेकिन अलग थलग है, उस पर कोई विवाद करने पर कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ खड़े करवा दिए थे, नेहरू को भी ये कहना पड़ा था मैं आपको आसाम का हिस्सा भी दे दूंगा, उन्होंने अलग देश की मांग की थी, नहीं पता हो तो। लेकिन कहीं पर भी जिक्र होता हो तो, जिक्र होता है। अगर पंजाब हरियाणा ये संयुक्त पंजाब होने की बात करते, ये तो अलग देश की मांग कर रहे हैं, जहां पर पहले से अलग देश की मांग होती आ रही है, वहां पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, वहां पर किसी का भी ध्यान क्यों नहीं जाने दिया गया, पता है आपको? इसका बहुत बड़ा रीजन है, कोई आज से ये मत समझना कि पहली बार किसी ने पंजाब के ऊपर नजर रखी है, आज़ादी से पहले से लेके और आज़ादी के बाद तक लेकर आज तक पंजाब के ऊपर नजर रहती है, सबको पता है। लोग कहते हैं आंदोलन होगा, आंदोलन को अगर आपको स्थायी रूप से मजबूती से चलाना है तो शुरुआत जहाँ से होनी चाहिए वहीं से होती है, यह भी पता है सबको। ये लड़ने वाले 4-5 स्टेट हैं जो बिल्कुल खुलेआम लड़ना जानते हैं, किसी भी सरकार से टकराना जानते हैं, जो अंग्रेजों से भी टकराए थे, 4-5 स्टेट, इनको उलझा दिया जाता है और ये उलझ जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर अपने यहीं के मिलेंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इनको आपस में इतना उलझा दिया जाता है कि इनका ध्यान ही नहीं जाने दिया जाता कि आपकी असली समस्याएँ क्या है। असली समस्या आपकी आज तक दूर नहीं हुई, बाबा रामदेव के 2200 करोड़ रुपये माफ़ कर दिए कर्ज के, आज तक किसी किसान के 2200 रुपये भी माफ हुए हों तो किसी बैंक में बता दो रिकॉर्ड निकाल के, किसी भी बैंक से आप रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो किसी किसान के 2200 रुपये भी माफ हुए तो। इनके 22,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2200 करोड़ नॉर्मल चीज़ों में माफ हो जाते हैं। एक दूसरा एक और फंड चला रखा है इन लोगों ने, आप सुनना ध्यान से, कहीं पर भी बाढ़ आती है, कुछ भी आता है, इतना वो दे दिया, इतना पैसा दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो आपकी जेब से जाता ना, जो टैक्स के रूप में जाता है आपकी जेब से, वही आपको लौटा रहे हैं, उसका एहसान दिखा रहे हैं। क्या दे दिया अपने पास से? अपने पास से सिवाय व्यापारियों को देने के आज तक क्या दिया है काम आदमी को सरकार ने? ना ही कोई सरकार पहले देती थी, ना ही सरकार अब दे रही, लेकिन उसका पूरा वो दिखाएंगे। न्यूज़ में दिखाते हैं क्या, फलाने व्यापारी के 3,000 करोड़ माफ़ कर दिए, बाबा रामदेव के 2200 करोड़ माफ़ कर दिए, दिखाया क्या किसी भी न्यूज़ में? नहीं दिखाएंगे। किसानों को वहाँ पर फसलों में वो आ गई थी, इतना मुआवजा दे दिया, 2,000 रुपये मुआवजा, 600 रुपये मुआवजा, अगर 6 रुपये भी मुआवजा देते ना, उसका भी न्यूज़ में पूरा बाउंडर मचा देते हैं। क्यों भाई, ये पैसा तो हमारा ही है, टैक्स के रूप में देते हैं हमें,
लेकिन नहीं, लोगों को उलझा रखा है, लोग उलझे रहते हैं। जैसे ही सबको पता है किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और फिर दोबारा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग न्यूज़ों में उलझा दिया जाता है। अभी पीछे सी कोई एक था, वो हीरो लगा ले, क्या लगा ले, जिसको तुम हीरो बोलते हो, बाकी वो हीरो नहीं होते, भांड होते हैं वो नाचने गाने वाले, उसके नंगे फोटो जानबूझ कर वायरल करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और आपका भट्ठा बिठा दिया, बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, किसी का ध्यान ही नहीं गया, बेरोजगारी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, आपका कावड़ का इतना बड़ा प्रोपगंडा चला दिया, रुपये किसने कमाए, हजारों करोड़ कमा लेंगे व्यापारी, और आपको लगा रखा इस काम में। कभी सोचा इसके बारे में? सोच के देखना, सोचोगे ना तब समझ में आएगी। जैसे ही आप मुद्दों के ऊपर बात करते हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर बात करते हो, जीडीपी के ऊपर बात करते हो, या जो आपको टैक्स के रूप में या जो आपके ऊपर कर लगाया जा रहा है इसके ऊपर बात करते हो, आपको एक नया मुद्दा दे दिया जाता है और आप उसमें उलझ जाते हो। ये कब तक चलेगा? सोच के बताना, कमेंट करके बता देना ये कब तक चलेगा। और इतनी उलझन मत लो, आप तो और देशों को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हो, स्टेटों को ही मिला दो आपस में, एक संयुक्त पंजाब एक करके देखो और इसकी ताकत देख लो। फिर आपको बार बार कहता आया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। ये लोग तो बोल दे कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को मिला लो, बांग्लादेश को मिला लो, ये लोग तो बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। हम अगर छोटी सी बात बोल दे, भाई ठीक है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, J&K, इनको एक कर लो, हम भी तो एक ही करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रद्रोह के उसमें आ जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा कब तक चलेगा ये दोगली नीति? क्यों? ये है एक देश एक कानून। इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं, उनके शहीदी का अपमान किया जाता है, कोई बोलता नहीं। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, गूंगे बनकर रहोगे ना, आपको ऐसे ही लूटा जाएगा और ऐसे ही बर्बाद किया जाएगा। लगे रहो, आपको बता, बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करना ना अच्छा रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। दोस्तों जितने ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को, आपके ऊपर है, और साथियों तक बात पहुंच जाएगी। मुद्दों से मत भटको, अपने मुद्दों पर रहो। मुद्दा है हमारा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का, मुद्दा है बेरोजगारी का जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, वो हमारे मुद्दे हैं। ये हमारे मुद्दे नहीं है किस मंत्री की लड़की बाहर चला रही है या गाय का मीट परोस रही है, वो हमारे मुद्दे नहीं है, वो सरकारें अपने आप देखेंगी। उसमें सिर्फ हमारे को उलझाया जाता है। अगर आप ऐसे उलझते रहोगे, अपने मुद्दों से भटकते रहोगे, वो आपके ऊपर है कि आपको मुद्दों पे कायम रहना है या सरकार जो आपको दिखा रही है वो देखना है। गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो अगर आपको ढंग से अपने उसके ऊपर रहना, मुद्दों पर कायम रहना। और किसान फिर आ रहे लड़ने के लिए, तैयार हो जाए सरकार। किसान अपनी मांगे मनवाना जानते हैं और मनवा के जाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने साथियों को बता देना चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको हर बात की जानकारी पहले दी जाएगी। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से ये चैनल है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करोगे। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो आप सबके बीच में रखना चाहते हो, आप बिल्कुल भेज सकते हो, वो बात रखी जाएगी। लेकिन बात होनी चाहिए सामूहिक भले की, सबके भले की बात होनी चाहिए। नमस्कार भाई दोस्तों।